ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया है। टीम में ओपनर डेविड वार्नर का नाम भी है। उसके अलावा कंगारू टीम ने तीन ताकड़ प्लेयर को शामिल किया है, ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और मिचेल मार्श को। जय रिचर्डसन को 17 मार्च से शुरू होने वाली भारत वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। पैट कमिंस की अनुवाई वाली टीम ने डेविड वार्नर को भी शामिल किया गया है, जो हाल ही में कोहनी में फ्रैक्चर के कारण चल रही भारत के खिलाफ शेष दो टेस्ट से बाहर हो गए थे। स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर एस्टन अगर को भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर किए जाने के बाद टीम में शामिल किया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को जगह नहीं मिली है, क्योंकि वह चोट से नहीं उबर पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चीफ सिलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा, जोश के लिए एक सीरीज का हिस्सा बनना बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंग्लैंड के एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज से पहले हमने एक अच्छी टीम चुनी है। तीन मैचों की सीरीज से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पता चलेगा कि इस साल अंत में भारत में होने वाले विश्व कप में उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बेली ने कहा, विश्व कप सिर्फ 7 महीने दूर है। भारत में यह मैच हमारी तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ग्लेन मिशेल मार्श और जे सभी सहित महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। मार्श की पिछले साल टखने की सर्जरी हुई थी, जिसके कारण वह 3 महीने के लिए बाहर हो गए थे, जबकि मैक्सवेल का पैर पिछले साल नवंबर में एक बैकयार्ड बर्थडे पार्टी के दौरान टूट गया था। रिचर्डसन ने आखिरी बार श्रीलंका दौरे के दौरान पिछले 7 ऑस्ट्रेलिया के लिए सफेद गेंद की सीरीज खेली थी, और इस साल जनवरी के बाद से कोई प्रतिबंधित क्रिकेट नहीं खेला है।